गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, यू ऑल आर वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। और इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए। द नाइटिंगेल आपकी जो लेसन था, आपका सेकंड लेसन, उसके अब आते हैं आगे की एक्सरसाइज पर। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसको लेकर आपको एक चीज समझानी है, जिसको कहते हैं सिलेबल्स, SYLLABLES। बहुत आसान है और हम इसका इस्तेमाल भी करते आ रहे हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सिलेबल क्या होता है। ओके, जस्ट ए मिनट। देखिए, जब भी किसी वर्ड का हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जैसे हम कहें कि एक सिंपल हमारे पास का एक गांव है जिसका नाम है बिरसा, आप देखेंगे कि बिरसा को हम जब बोलते हैं तो इसको दो भागों में तोड़ते हैं हम, बिर सा, बिर सा, बिर सा। ये जो एक शब्द है, ये जितनी हिस्सों में तोड़ा जा सकता है, बोलने से पहले तोड़ना पड़ता है, उसको हर किसी को सिलेबल कहते हैं। यानी कि यहां पर दो बार टूटा है तो टू सिलेबल हो गई, राइट। यहां पर देखिए, जैसे पर्च आपके सामने लिखा हुआ है, पर्च देख पा रहे होंगे आप, पर्च, पर्च हैज, पर्च जब आप बोलते हैं तो आप देखिए कि आपको इसको कहीं से बीच से ब्रेक नहीं करना पड़ता, पर्च एक ही बार में आप इसको बोल लेते हैं, तो ये सिर्फ एक सिलेबल है, पर्च। इसको बीच से ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वन सिलेबल वर्ड है। वहीं पर टू सिलेबल वर्ड बता रहा है सर्वेंट या सर्वेंट्स, आप देखेंगे इसको दो भागों में तोड़ते हैं हम, सर वेंट्स, तो ये कितने सिलेबल्स होंगे इसमें, इसमें टू सिलेबल्स होंगे। एक वर्ड लिया है इन्होंने आर्टिफिशियल, आप जब इसे बोलते हैं तो आप देखिए आर टी फी शल, आर्टिफिशियल, यानी कि यहां 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 इसको आप ब्रेक करते हैं, आर्टिफिशियल। इसका मतलब ये हुआ एक दो तीन और ये एक चार, वन टू थ्री फोर, ये फोर सिलेबल वर्ड है, राइट। बहुत आसान सी बात है, लेकिन इसके लिए आपको इसका किसी भी शब्द का अगर सही प्रोनाउंसिएशन आप कर पा रहे हैं तो आप इससे बता सकते हैं। यहां पे देखेंगे आप अगले पेज पर, पेज नंबर 17, पेज नंबर 17 में इन्हीं वर्ड्स के एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे वन सिलेबल वर्ड आप देखेंगे समझ में आ जाएगा, बुश, शुक, हैच, एग्स, रोप। यहां पर आपको पांच वर्ड्स दिए हैं, बुश, शुक, हैच, एग्स, रोप। और भी बहुत सारे वर्ड्स आप खुद अपने मन से ढूंढ सकते हैं, क्राय, लाफ, गो, कम, ये सारे के सारे वन सिलेबल वर्ड हैं, क्योंकि इनको
जब आप प्रोनाउंस करते हैं, जब इनका उच्चारण करते हैं, तो इन्हें ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब देखिए टू सिलेबल वर्ड्स भी हैं। रिवर जब आप बोलते हैं तो रिवर, रिवर, सिली, सिली, लाउडली, रिमूव, शाउटेड, रिवर, सिली, लाउडली, रिमूव, शाउटेड, जब इसे हम बोलते हैं तो इन्हें हम ब्रेक करके प्रोनाउंस करते हैं। बीच में एक बार ब्रेक हो रहा है तो ये टू सिलेबल हो गया। यहाँ पर कुछ थ्री सिलेबल वर्ड्स के एग्जांपल भी दिए हैं, जैसे एलिफेंट, परफेक्टली, आफ्टर नून, यस्टरडे, रिटार्डेड, रिटार्टेड। तो ये आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्रेक करके आपको बताया है कि कैसे ये क्यों थ्री सिलेबल वर्ड्स हैं। आई होप, क्योंकि इसमें कुछ सिर्फ आप प्रोनाउंसिएशन अगर जानते हैं सही प्रोनाउंसिएशन, तो आप सिलेबल्स पहचान सकते हैं। यहाँ पर आपसे एक्सरसाइज बी है, यूज योर डिक्शनरी और एन ऑनलाइन डिक्शनरी टू स्प्लिट द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू सिलेबल्स। लिसन टू द ऑडियो ऑप्शन टू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स करेक्टली, अंडरलाइन द स्ट्रेस्ड सिलेबल्स। जब आप कोई अच्छी डिक्शनरी देखते हैं ना, तो उसमें वर्ड्स जो दिए रहते हैं उनके मीनिंग्स के अलावा, जहाँ पर सबसे शुरुआत में जो वर्ड्स होते हैं उसका एक प्रोनाउंसिएशन भी दिया रहता है, और वहाँ पर ये कितने सिलेबल्स का है ये भी आप देख सकते हैं। ओके, जैसे मैं आपको डिक्शनरी की मदद से बताता हूँ कि कैसे ये सिलेबल्स जो हैं, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं, बीच में ब्रेक करके दिखाया हुआ है आपको, बाई पाथ, बाई प्ले, बाई प्रोडक्ट, बाई रोड, मतलब ये सारे के सारे जो हैं ये टू सिलेबल वर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं यहां पर, राइट। और ऐसे ही जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कैब, इसको ब्रेक नहीं किया है इन्होंने, सी ए बी कैब, यानी वन सिलेबल वर्ड है। कैबल, ये दो इसमें ब्रेक है। तो आप अगर आप देखेंगे तो डिक्शनरी में ये तमाम चीज़ें दी रहती हैं, और साथ में इसके प्रोनाउंसिएशंस भी दिए रहते हैं। ये हैं इसके प्रोनाउंसिएशंस, बाईपाथ को कैसे आप बोलेंगे, ठीक है। और ये जो साइंस हैं ये आपकी डिक्शनरी में समझाए हुए होते हैं पहले, तो इसे वहां से आप देखेंगे तो डिक्शनरी का आप इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, है ना। क्योंकि डिक्शनरी, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इट इज़ द बेस्ट फ्रेंड यू हैव, जो डिक्शनरी होती है ये आपके सबसे अच्छी दोस्त है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम, अगली एक्सरसाइज जो है आप ये देख रहे हैं, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि ये कितने सिलेबल्स हैं इसमें, उसको ब्रेक कीजिए आप, है ना। तो क्लेवर, क्लेवर, टू सिलेबल, फ्राइटनिंग, 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 ये थ्री सिलेबल, मोमेंट, मोमेंट, टू सिलेबल, वंडरिंग, थ्री सिलेबल, क्रीपर, टू सिलेबल। तो आजकल तो आपकी ऑनलाइन डिक्शनरी, जैसे मोबाइल वगैरह में आप कर रहे हैं तो ऑनलाइन डिक्शनरी अगर आप उसमें सर्च करेंगे तो जो वर्ड्स होते हैं उनके प्रोनाउंसिएशन भी आपको ऑनलाइन बाकायदा वहां से आवाज़ आती है, वो आपको बताते हैं कि कैसे प्रोनाउंस करना है इसको,
है ना। तो ऑनलाइन डिक्शनरी की या डिक्शनरी की मदद लें आप, तो आप इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और जो मैं बता रहा हूँ, केवल शब्दों को कितने बार कितनी जगह ब्रेक करते हैं हम, उसको देखना होता है। जैसे हम राष्ट्रगान बोलते हैं, तो राष्ट्रगान हिंदी में भी होता है ऐसा, दो एक बार ब्रेक किया हमने, इसलिए टू सिलेबल वर्ड है। अब आते हैं यूज न्यू वर्ड्स। यहां पर कोलोकेशंस आर टू मोर वर्ड्स दैट आर ऑफन यूज टूगेदर। मैच द फॉलोइंग वर्ड्स टू फॉर्म कॉमन यूज कोलोकेशंस वन हैज बीन डन फॉर यू। कई बार क्या होता है कि दो वर्ड्स जो होते हैं, दो या दो से अधिक वर्ड्स, वो एक साथ इस्तेमाल होते हैं और एक साथ इस्तेमाल होते हैं और इन्हें एक अंग्रेजी में नाम दिया गया है जिसको कहते हैं कोलोकेशंस। कोलोकेशंस राइट। तो यहां पर आपको कोलोकेशंस बनाने हैं, जैसे पहला वाला किया हुआ है आपके लिए फॉलन, यहां पर इससे ब्रे जोड़ा है डी से, ए बी सी डी ई एफ, तो वन का है डी, फॉलन असलीप, फॉलन असलीप ये लिखा हुआ है इसके आगे। तो आपको इससे मैच करना है इस कॉलम को और उसके सामने लिखना है। जैसे मैंने लिखा हुआ अ ड्रिंक ऑफ वाटर, यानी कि सेकंड का है ए, अ ड्रिंक ऑफ वाटर। लाफ्ड आउट अलाउड ये है उसका आंसर, लाफ्ड आउट अलाउड। सेटल डाउन परफेक्टली स्टिल, परफेक्टली स्टिल। स्टेइंग राइट हियर, ये इनके साथ ये वर्ड्स साथ में आते हैं, मैच करते हैं, एक नया अर्थ बनाते हैं और इसी को कोलोकेशंस भी कहते हैं। फॉलन यानी फॉलन का अर्थ तो यू तो गिरना होता है, असलीप का मतलब होता है सोना, लेकिन फॉलन असलीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोना राइट। अ ड्रिंक मतलब कोई भी चीज होती है जिसे आप पी सकते हैं, शरबत हो सकता है, पानी हो सकता है, दूध चाय हो सकती हैं, ये सारे के सारे ड्रिंक्स हैं। लेकिन अगर कोई हमें बोलना है कि पानी से बनी हुई कोई चीज है, तो अ ड्रिंक ऑफ वाटर। लाफ्ड आउट लाउड, लाफ्ड आउट लाउड मतलब जोरों से ठहाका लगाकर हंसना। सेटल्ड सेटल्ड डाउन, सेटल होना मतलब किसी एक जगह बैठ जाना, सेटल डाउन होना का मतलब किसी एक जगह ठहर जाना है ना। परफेक्टली स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल हिले डुले बगैर, एक कोई बैठा हुआ है जो बिल्कुल भी हलचल नहीं है तो उसको बोलते हैं परफेक्टली स्टिल। स्टेइंग राइट हियर, स्टेइंग राइट हियर का मतलब होता है कि उसी जगह जहां पर आपसे कहा गया या जहां आप बैठे हैं, स्टेइंग राइट हियर यहीं पर बैठे रहना। ओके, तो ये आपने एक नया शब्द सीखा जिसका नाम था कोलोकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर जो चीजें हमने अभी बनाई है ना, ये अभी आपने जो बनाया फॉलन अस्लीप अ ड्रिंक ऑफ वाटर लाउड आउट लाउड सेटल डाउन परफेक्टली स्टिल स्टेइंग राइट हियर, इन्हीं को 1 2 3 4 5 6 इनको हमें इस्तेमाल करना है यहां पर। तो आप देखेंगे आपके लिए मैंने किया हुआ है ये। ओके,
द लिटिल बॉय हैड फॉलन अस्लीप इन द कार लॉन्ग बिफोर द फैमिली रीच्ड होम। कार के घर पहुंचने से पहले ही नन्हा बच्चा, जो छोटा बच्चा था, वो कार में सो गया था, गहरी नींद में सो गया था। अब देखिए यहां पर ये करके दिया है इन्होंने आपको, अब नीचे के आपको करना है। हरी हमने लिखा है लाफ्ड आउट लाउड व्हेन ही सॉ हिज बेबी सिस्टर वेयरिंग देयर मदर्स शू। जो हरी था वो जोरों से हंसने लगा, ठहाका लगाकर, जब उसने देखा कि उसकी छोटी बहन उसकी मम्मी के चप्पल पहनकर, मम्मी के जूते पहनकर चलने की कोशिश कर रही है, तो उसे बड़ा मजा आया। उतना उसने छोटी सी नन्ही सी बच्ची को इतने बड़े शूज पहनकर देखा जब उसने, तो ही लाफ्ड आउट लाउड, यानी सेकंड में ये आएगा। थर्ड, वी ऑल स्टूड परफेक्टली स्टिल एंड वेटेड फॉर द बैंड टू प्ले द नेशनल एंथम। यानी कि हम बिल्कुल एकदम सावधान की मुद्रा में बगैर हिले डुले हम खड़े रहे और नेशनल एंथम बजता रहा। हम सभी जानते हैं कि जो नेशनल एंथम है हमारा, जनगण मन अधिनायक जय है, ये हमारा नेशनल एंथम है। और जब ये बजता है तो हम सभी एकदम स्टैंड स्टिल, राइट, परफेक्टली स्टिल एकदम खड़े होते हैं, हम कोई हलचल नहीं करते, हाथ पैर नहीं हिलाते डुलाते। ये एक तरह से नेशनल एंथम को सम्मान देने का तरीका है। उस वक्त जो अपनी जगह पर जैसे रहता है वो बिल्कुल ठहर जाता है, और ऐसा ही करना चाहिए। तो यहाँ पर परफेक्टली स्टिल वर्ड आएगा। इसके बाद नंबर फोर्थ है, द हाइकर्स हैड अ ड्रिंक ऑफ वाटर बिफोर द स्टार्टेड वॉकिंग अप द माउंटेन। हाइकर्स कहलाते हैं जो पैदल नई जानी कठिन दुर्लभ दुर्गम जगह होती है उनको पैरों से नापते हैं, पैरों से चलते हुए बड़े दुर्गम पहाड़ों और इसका सफ़र करते हैं, इन्हें हाइकर्स कहते हैं। इनका नई जगहों को खोजना इनका शौक होता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि बहुत थकान भरा काम होता है ये, इसीलिए निकलने से पहले या चलते हुए जब बहुत थक गए उन्होंने, तो उन्होंने दे हैड ड्रिंक ऑफ वाटर, उन्होंने पानी पिया बिफोर दे स्टार्टेड वॉकिंग अप द माउंटेन, माउंटेन की तरफ, जो पहाड़ था उसकी तरफ जाने से पहले इन्होंने पहले प्यास बुझाई और उसके बाद अपने सफर पर आगे बढ़े। नंबर फिफ्थ, आई एम स्टेइंग राइट हियर टिल यू ईट एवरी बिट ऑफ द फूड ऑन योर प्लेट, सेड दादी माँ। दादी माँ ने बच्चे से कहा कि मैं यहीं बैठी हुई हूँ और इस जगह से बिल्कुल नहीं हिल रही हूँ जब तक तुम अपना खाना बिल्कुल खत्म नहीं कर लेते, है ना। तो आई एम स्टेइंग राइट हियर मतलब मैं बिल्कुल यहीं बैठी हुई हूँ। और लास्ट है, व्हेन देयर वाज नो मोर नॉइस एंड द बॉयज एंड गर्ल्स हैड सेटल्ड डाउन द प्रिंसिपल बिगिन टू स्पीक। कि जब वहां पे बिल्कुल शोर शराबा खत्म हो गया और जो स्टूडेंट्स थे, लड़के लड़कियां, वो सारे के सारे व्यवस्थित हो गए, वह सेटल डाउन हो गए, तब जाकर प्रिंसिपल ने बोलना शुरू किया। ठीक है, तो ये पेज नंबर 18 की आपकी बी एक्सरसाइज थी, जो फ्री, ये जब दो शब्द, दो या दो से ज़्यादा शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे फ्रेज कहते हैं, phrase, फ्रेज। फ्रेज जो होते हैं इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता, जबकि सेंटेंस और फ्रेज में यही फर्क होता है कि जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस भी एक या एक से ज़्यादा शब्द होते हैं और उनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, यही मैंने आपको बताया था। तो फिर इसमें भी दो या दो से ज़्यादा शब्द हैं, इसमें और सेंटेंस में क्या फ़र्क है फ्रेज में और सेंटेंस में? तो फ्रेज में इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। अगर आपने फॉलन असलीप कहा कि गहरी नींद में सोना, तो ये अधूरा मीनिंग है, इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन गहरी नींद में सोया है, कब सोया है, वगैरह वगैरह। इनकम्प्लीट मीनिंग होता है इसका। दूसरी बात, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता कि भाई कौन सो रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है। लेकिन एक जो सेंटेंस होता है इसमें, आप देखिए द लिटिल बॉय हैड फॉलन अस्लीप, यहाँ पर आप देख रहे हैं द लिटिल बॉय सब्जेक्ट है, बाकी ये सब प्रेडिकेट है।
तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है सेंटेंस में, जबकि फ्रेज में ऐसा नहीं होता। ओके, अब आते हैं आपको कुछ नाउन्स के बारे में बात करें हम, कि नाउन्स आर नेम्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए, हम चारों तरफ इन्हीं नाउन्स से घिरे हुए हैं। ये नाउन्स क्या हैं? नाउन्स है दरअसल हमने अपने आसपास मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं ना, उन सबको अलग अलग नाम दे रखे हैं। जैसे मैं कहूँ ये क्या है, दिस इज अ पेन, हमने इसे नाम दे दिया पेन। अब अगर मैं कहता हूँ कि भाई पेन, तो कोई भी समझ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कहूँ ये क्या है, आप बिल्कुल बता देंगे कि सर दिस इज अ स्टेपलर, राइट। तो हमने ये जो है इसका नाम स्टेपलर रख दिया है, ताकि लोग पहचान सकें कि जब भी हम उस चीज़ का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में उसकी एक इमेज आ जाए। इसलिए हमने हर चीज़ को एक नाम दे रखा है, आप अगल बगल अपने देखेंगे। इन नाउन्स को पहले तो दो भागों में बांटा जा सकता है, राइट, जिसको बोलते हैं एक को कॉन्क्रीट नाउन और एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिलहाल ये मोटे मोटे तौर पे आपको समझाने की कोशिश है। नॉर्मली पांच तरह के नाउन्स होते हैं। पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा होता है प्रॉपर नाउन, राइट, इसके अलावे होते हैं कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले कॉमन नाउन के बारे में जान लें कि कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन किसी भी पर्सन, किसी भी एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, ट्री, फ्लावर, फ्रूट, किसी भी चीज़ का एक जो कॉमन नाम होता है उसे, जैसे आपने कहा कि भाई बॉय, आपने कहा बॉय। अब ये बॉय रवि है कि राजू है कि राम है कि ओम है, कोई भी नाम का लड़का हो, हम उन सबको एक कॉमन नाम से बुला रहे हैं, बॉय, राइट। हम कहते हैं विलेज, राइट, तो विलेज कोई भी हो सकता है, भिमजोरी इज अ विलेज, बिरसा इज अ विलेज, मोगांव इज अ विलेज, ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, बहुत ज्यादा जनसंख्या जहां की ना हो, छोटी जगह हो, उसे हमने नाम दे दिया विलेज। तो जो कॉमन नाम दे दिए जाते हैं किसी भी एनिमल को, किसी भी पर्सन को, किसी भी बर्ड, इंसेक्ट, ट्री, फ्लावर, फ्रूट वगैरह को, इसे हम कॉमन नाउन कहते हैं, है ना। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन होता है कि जब, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारे के सारे कॉमन नाउन है, किसी बॉय कह दिया आपने तो बॉय बहुत सारे हो सकते हैं, विलेज आपने कह दिया तो विलेज बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ रवि की बात कर रहे हैं तो रवि इज अ बॉय, मगर रवि एक खास लड़का है, भिमजोरी एक खास गांव है, भिमजोरी बहुत सारी नहीं होंगी, है ना, ये एक खास जगह का नाम है, एक खास विलेज का नाम है, ये किसी एक खास बॉय का नाम है। तो जब आप किसी भी, ये जो तमाम आपने पढ़ा है कि पर्सन, एनिमल, बर्ड, इंसेक्ट, ट्री, फ्लावर, फ्रूट, इनके कॉमन नाम दे दिए जाते हैं तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे आप ले लें कि भाई फ्रूट तो कॉमन नाउन है, लेकिन आपने कहा बनाना, तो बनाना एक फल जरूर है, लेकिन हर फल तो बनाना नहीं होता, एप्पल अलग होता है, पाइनएप्पल अलग होता है, कस्टर्ड एप्पल अलग होता है ना। तो ये जो नाउन्स होते हैं प्रॉपर नाउन्स, ये एक खास किसी इसके नाम होते हैं, जैसे मीरा किसी महिला का नाम हो सकता है, किसी लड़की का, इंडिया एक खास कंट्री का नाम है, हमारे देश का नाम है, तो कंट्री आप कहेंगे तो ये कॉमन नाउन है, लेकिन इंडिया आप कहते हैं तो ये प्रॉपर नाउन है। मुंबई इज अ सिटी, अगर आप सिटी कहेंगे तो कॉमन नाउन है, उसको एक नाम दिया मुंबई, तो ये प्रॉपर नाउन है।
बायोलॉजी फिजिक्स ये सब्जेक्ट्स हैं, राइट। हैरी पॉटर ये एक कैरेक्टर है, आप सभी जानते हैं। तो जब किसी का एक खास नाम दे दिया जाता है तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब आते हैं इसके बाद वाले कलेक्टिव नाउन पर। कलेक्टिव नाउन हमने अक्सर देखा हुआ है कि आप कहते हैं कि वहां पर बहुत भीड़ थी। अब ये भीड़ क्या है? भीड़ है दरअसल बहुत सारे लोगों का, बहुत सारे पर्संस का एक जगह जमा हो जाना, उसे भीड़ कहते हैं। तो इन पर्संस के कलेक्शन को, इस पर्संस के समूह को हमने एक नया नाम दे दिया जिसे हमने कहा भीड़, राइट। वैसे ही अंग्रेजी में भी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, उनको एक अगर नाम दे दिया जाता है तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, बुक्स का जो कलेक्शन जहां पर होता है हम उसे लाइब्रेरी कहते हैं। बुके ऑफ रोजेस, बुके कहलाता है जो एक गुलदस्ता बनाया जाता है किसी को भेंट देने के लिए, उसे बुके कहते हैं। तो रोजेस, जब एक जगह खूब सारे रोजेस जमा कर दिए जाते हैं तो उसे बुके कहते हैं। स्पेलिंग देखेंगे BOUQUET, ये फ्रेंच वर्ड है। इसकी स्पेलिंग बाउक्वेट अगर आप पढ़ेंगे तो, लेकिन उसे पढ़ा जाता है बुके, बुके, राइट। तो बुके ऑफ रोजेस। फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, जो सीढ़ियां होती हैं उसमें से हर एक सीढ़ी एक स्टेयर होती है, और जो पूरी तमाम स्टेयर्स मिलकर बनाती हैं उसको एक फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स कहते हैं। और भी बहुत सारे हैं जो हम अभी आगे पढ़ेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउंस वो नाउंस होते हैं जिनको आप ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, है ना। ये इससे पहले कि जितने भी आपने ये देखे थे नाउंस, ये सारे के सारे कॉन्क्रीट नाउंस थे। अब एक दूसरा जो प्रकार है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसे छू नहीं सकते आप, जिसे देख नहीं सकते आप, है ना। अब आप कहेंगे कि सर ये कौन सी चीजें हैं, जैसे गुस्सा, गुस्से को आप कभी छू नहीं सकते। मन ही मन आप गुस्सा हो रहे हैं तो वो गुस्सा दिखाई भी नहीं देता, क्योंकि वो कोई, उसका कोई रूप नहीं होता गुस्से का। या डर, फियर, या जॉय, या भूख, या प्यास, या नींद, ये तमाम चीजें जो हैं, आश्चर्य, डर, ये सारी इनके कोई रूप नहीं होते, इन्हें आप देख नहीं सकते, इनको आप छू नहीं सकते। ऐसे जो नाउंस होते हैं उन्हें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउंस कहते हैं। जैसे हम कहते हैं गॉड, अब ईश्वर को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं, राइट। तो हम इसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। अब यहां पर आपसे कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग नाउंस इन करेक्ट कॉलम, रिमेंबर प्रॉपर नाउंस बिगिन विद कैपिटल लेटर्स, ऐड टू नाउंस टू ईच कॉलम। यहां पर अलग 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 दिए हुए हैं, लेकिन सब में आपका पहला लेटर स्मॉल ही लिखा हुआ है। आपको ये याद रखना है कि जो प्रॉपर नाउन आप सिलेक्ट करेंगे तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, है ना। यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व किया है आपके लिए। आप देखेंगे कि कॉमन नाउन्स हैं स्पैरो, एलिफेंट, पर्सन, इनके सबके पहले लेटर मैंने स्मॉल लिखे हैं। वहीं पे प्रॉपर नाउन्स हैं सचिन, चेन्नई, ऑस्ट्रेलिया, इसमें सबके पहले लेटर्स कैपिटल हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन लव, क्लम्सीनेस, स्ट्रेंथ, एंड कलेक्टिव नाउन है फ्लॉक, ग्रुप, हर्ड, है ना। तो ये सारे के सारे जो नाउन्स हैं ये मैंने इसमें बांट दिए हैं, जो ये वही नाउंस हैं जो इससे पहले के पेज पे आपके सामने दिए हुए थे। आपसे कहा गया था कि उनको पहचानिए और अलग अलग कॉलम्स में भरिए। जो कॉमन नाउन है उनको कॉमन नाउन की जगह पे लिखिए, जो प्रॉपर नाउन है उनको प्रॉपर नाउन की जगह पे लिखिए, और प्रॉपर नाउन का पहला लेटर कैपिटल होता है, ये याद रखिए हमेशा। जैसे आपका नाम आप लिखते हैं तो हमेशा आपका पहला लेटर आप कैपिटल लिखते हैं, आपके सरनेम का पहला लेटर आप कैपिटल लिखते हैं, है ना। तो ये प्रॉपर नाउन होता है, फाइन। तो आज के लिए अभी आधे घंटे का हो गया ये वीडियो, और मेरी कोशिश रहती है कि बहुत लंबे वीडियो ना बनाऊं मैं, लेकिन आज को समझाते हुए कुछ ज़्यादा समय लग गया, तो फिलहाल यहीं बंद कर रहा हूँ मैं। जो बची हुई एक्सरसाइजेस हैं वो अगले पीरियड में है। थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू चिल्ड्रन।